Hey guys, आते आते. Hi. तो हुआ ना अभी? हेलो. ओ आई एम वेयरिंग अवारो फिलियो एंड या अमेजिंग अमेजिंग सॉर्ट ऑफ डिजाइन हाउस सो आई एम एक्साइटेड. वेल मैं एक्साइटेड हूँ इसलिए भी क्योंकि मेरी फिल्म अनारकली ऑफ आरा बेस्ट एक्ट्रेस जूरी कैटेगरी में नॉमिनेटेड है. तो ऑब्वियसली उम्मीदें हैं और एक्साइटमेंट है. बट आई थिंक दैट स्क्रीन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वे यू कैन ऑलवेज बी यू नो श्योर दैट डिजर्विंग टैलेंट विल विन. सो आई थिंक इट्स अच्छी बात है कि बहुत सारे अच्छे परफॉर्मेंसेज रहे इस साल. सो आई एम श्योर द यू नो मे द बेस्ट विन. Yes, we did the wedding. We have finished principal filming, and it's we've had a blast, and we're quite excited. मुझे तो नहीं दिखा किसी सीन में. पता नहीं अब अगर जब मैं नहीं थी वैसे किसी सीन में हो तो आई हैव नो आइडिया. Oh God! What has been my swag? Smile. कुछ भी बोलो फिर smile कर दो. I think that that is my swag. Well, I we did the wedding being a you know big hit. I hope my work being appreciated. I have some other very exciting work lined up. And yeah, और मेरे भाई की शादी हो रही है. ओह हाँ पद्मावती. आई होप 2018 तक आ जाए अगर हमारे सारे पोलिटिकल पार्टीज़ की लड़ाई झगड़े ख़त्म हो गए हैं उसके ऊपर. पता नहीं अभी तो ये इलेक्शन जाएगा फिर अगले कौन से इलेक्शन के बाद तक वो फिल्म रिलीज़ होगी. आई थिंक आई मीन आई रियली वॉन्ट टू वॉच द फिल्म नाउ. आई थिंक बहुत शर्मनाक चीज़ है कि एक लोकतंत्र में जहाँ पे हमारे संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है वैसे संदर्भ में इतना हैरेस किया जा रहा है कलाकारों को. और एक ऐसे विषय पे जो जो ऐसा नहीं है कि कोई धार्मिक विषय है. ये एक फिक्टिशियस कहानी है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित एक पोएम है ये. तो ये मतलब ये ऐसी फीलिंग नहीं हीर रांझा पे कोई लोग लड़ाई करनी शुरू कर दें या लैला मजनू पे ऐसी लड़ाइयाँ शुरू हो जाएँ तो कितना रिडिक्यूलस लगेगा. सो आई फ्रेंकली आई मीन आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट इट्स रिडिक्यूलस एंड आई विश दैट आर लीडर्स वुड टेक would stand up for the constitution. किसी के लिए भी मुझे लगता है एक सभ्य समाज में एक सिविलाइज सोसाइटी में जहाँ पे सरकार का रूल ऑफ लॉ और एक गवर्नेंस होनी चाहिए वहाँ पे अगर आपके ही लीडर खड़े होकर बोल रहे हैं कि 5 करोड़ की बाउंटी है और जो भी सर ले आए डायरेक्टर का या हम किसी कलाकार का नाक काट देंगे तो ये बहुत ही घटिया बातें हैं छिछली बातें हैं और शर्मनाक बातें हैं. मतलब बहुत ही बहुत ज़्यादा बुरी बात है. आई मीन आई थिंक उसके लिए बतौर समाज हमें अपना विरोध रजिस्टर करना चाहिए इस पूरे मुद्दे पे कि ये जो हो रहा है ये सही नहीं है. ये किसी मायने से सही नहीं है. ये ना लोकतांत्रिक आदर्शों के तहत सही है ये ना हमारे संविधान के तहत सही है और ना ये कानून के तहत सही है. सो या अब मैं जब जेल जाऊँगी तो आप आ जाना मेरा इंटरव्यू लेने.